This is Shani Dinani, welcoming you to Magnet Brains. And as you all know that we were discussing the chapter A House is Not a Home, written by Jan Godioso. So we now to need to check the NCRT questions that have been given in this chapter. सो दै वी गेट टू नो कि हमें कितने ज्यादा फैक्ट्स क्लियर है कितने ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर है आर वी क्लियर विद आउटलाइन ऑफ द स्टोरी एंड दैट वी कैन ओनली चेक बाय सॉल्विंग एंड डिस्कसिंग सर्टेन क्वेश्चन तो ओवरऑल आई गेस टू सेवन क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके इस चैप्टर पे बेस्ट सो लेट्स जस्ट डिस्कस ईच एंड एवरी क्वेश्चन वील ट्राई टू आंसर दैम एंड ऑल्सो वील डिस्कस की किस तरीके से आप और मॉडिफिकेशन कर सकते हो आंसर्स में डन ऑल राइट सो जो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया आपकी बुक में वो है वॉट डर नोटिस वन संडे आफ्टरनून तो ये वो इंसिडेंट है जब उनके घर में यू नो फायर हो जाती है बर्न हो जाता है पूरा घर तो क्या नोटिस करते हैं सबसे पहले तो इनको एक स्ट्रेंज स्मेल आती है देन इसके बाद उनको दिखता है कि जो सीलिंग है वहां से स्मोक ही स्मोक है और पूरे रूम में स्मोक एंटर हो जाता है एंड कुड हार्डली सी इतना ज़्यादा धुआं हो जाता है इनके पूरे रूम में

तो क्या होता है सबसे पहले तो ये कर क्या रहे हैं होमवर्क कर रहे हैं अगर लॉन्ग आंसर आता है तो ये भी ऐड कर सकते हो कि ऑन वन संडे आफ्टरनून ऑथर और द नरेटर जो भी पे ऑथर बोला क्वेश्चन में तो एज ऑथर द ऑथर वॉज सिटिंग इन द डाइनिंग रूम एंड ही वॉज होमवर्क सिटिंग ऑन द डाइनिंग टेबल

लाइफ तो दोनों क्या करते हैं दोनों ऑब्वियसली बहुत कोशिश करते हैं बाहर कुछ दिख नहीं रहा होता लॉन्ग आंसर होगा तो ये पॉइंट ऐड कर सकते हो इट वॉज सो मदर रैन आउट ऑफ द हाउस स्मॉल मेडल बॉक्स फुल ऑफ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स शी ड्रॉप ऑन द लॉन एंड रन बैक इन टू हाउस टू ब्रिंग द पिक्चर्स ऑफ द ऑथर्स डेड फादर विच वॉज दिंग पर यह चीज जो है क्या किया उनकी मोम ने तो ये लिखना जा सकता है कि हर मॉम और हिज मॉम सॉरी रैन बैक टू दाउस एंड शी ब्रॉड द मेडल बॉक्स विच कंटेड ऑल द डॉक्यूमेंट पर्सनल डॉक्यूमेंट्स एंड देन अगेन शी वेंट इन टू द हाउस बिल्डिंग टू कलेक्ट और टू ब्रिंग बैक द फोटोग्राफ्स ऑफ हर हसबेंड विच होम शी लॉस्ड वेन द ऑथ वेरी यंग क्लियर इस तरीके से भी आप लिख सकते हो दिस इज द मॉडिफिकेशन दू राइट द आंसर और यू कैन राइट ऑल दीज लाइन्स टू क्लियर सो दिस इज हाउ उनका रिएक्शन था वॉट शी डेड

So, the answer to this question would be the author's house was completely burned down. So, was completely burned out. After 5 hours, when the fire was finally out, the author realized that his cat was nowhere to be seen.

long answer type question clear all right next question is why is the author deeply embarrassed the next day in school which words show his fear and insecurity to kyu wo agle din bahut zyada embarrassing feel karte hain because jab unka ghar you know it was burned unke paas proper clothes nahi the proper shoes nahi the backpack nahi tha होमवर्क नहीं था नोटबुक्स नहीं थी टू टेक इट टू द स्कूल तो नेक्स्ट डे जो वो ड्रेस पहनी हुई थी इनको जो उन्होंने संडे मॉर्निंग को चर्च जाते वक्त पहनी थी वही ड्रेस पहनी हुई है स्कूल एंड ऑल्सो उनके पास शूज नहीं थे तो बोरोड दूज फ्रॉम हिज आंट और ये दो तो चीजें पहन के वो जाते हैं ही है द होम वर्क नॉट द स्कूल बुक्स नोट बुक्स नी द एनी थिंग एल्स नॉट ही पूरी लाइफ थी उनकी सारी चीजें थी इसमें तो so, ये सब चीजें नहीं थी तो समवेयर ही वॉज फीलिंग्स आउटकास्ट और एंड ही फेल्ट दैट ही वेरी स्ट्रेंज और इस वजह से वो एम्बेजिंग फील करते हैं then, क्या वो वर्ड है जो उनकी फियर एंड सिक्योरिटी बताते हैं so, जैसे वो बोलते हैं कि अगर यही सब डेस्टीन है, तो यह है उनकी इन सिक्योरिटी एंड ऑल्सो उनका जो फियर था डर था लाइफ को लेकर लॉसेज को लेकर चैलेंजेस को लेकर वो सब बताता है क्लियर ऑल राइट सो द नेक्स्ट डे इन स्कूल इज एमस्ड बिकॉज द्लोथ लुक डू बी ओर

एंड देन गीत का मतलब होता है जो अलग तरीके से कपड़े पहने हुए हैं फैशनेबल ना होना तो ये सब चीजें अगर उनकी लाइफ में हमेशा से लिखी हुई हैं आई डिड नॉट वॉन्ट टू ग्रो अपन वो बड़े नहीं होना चाहते वो चेंजेस नहीं देखना चाहते एंड ही डज नॉट वॉन्ट टू हैंडल ऑल दिस थिंग्स लाइफ लाइफ क्या होता है फुल ऑफ चैलेंजेस फुल ऑफ एग्जामिनेशन सो ही इज नॉट रेडी टू हैंडल दीज डिट थिंग्स एंड इफ इट वॉज गोइंग टू बी दिस वे और ये चीजें अगर ऐसे ही चलने वाली हैं लाइफ टाइम चेंजेस लॉसेज सैडनेस जेस then डेफिनेटली then वो क्या एक्सपेक्ट करे थे वो क्या प्रेफर करते हैं आई जस्ट वॉन्टेड टू कॉल अपरना चाहता हूँ क्लियर तो ये वो सारे वर्ड है जो उनका डर उनकी इनसिक्योरिटी बताते हैं कि जब चैलेंजेस उनके लाइफ में आए वॉज नॉट रेडी टू फेस दैम डाइट सो इस तरीके से क्यों उनको एम्बेसिंग फील होता है क्या वो लाइन्स हैं जो उनकी इन फियर और इनसिक्योरिटी बताते हैं दैट इज समिंग जो आपको आंसर में मैं क्लियर ऑल रेड Next question is the cat and the author are very fond of each other. So cat or author obviously ek Dusre ke प्यार करते हैं एक दूसरे से क्यों क्योंकि देखो ऑथर या नरेटर जो है वो क्या बोलते हैं कभी भी कैट जो है वो मुझसे दूर नहीं रही और जब उनकी कैट खो जाती है तो वो उनको बहुत बुरी तरीके से मिस करते हैं टेरेबली मिस कर रहे हैं तो ये पॉइंट्स हैं जो बताते हैं इन द स्टोरी की दे वर फॉन्ड ऑफ ईच अदर सो हाउ हैज दिस बीन शोन इन द स्टोरी दैट इज समथिंग यू विल आंसर लाइक दिस वेयर वॉज द कैट आफ्टर द फायर ऑब्वियसली वो बहुत ज्यादा फ्रीक आउट हो गई थी पैनिकिंग सिचुएशन थी कैट के लिए तो वो एक माइल तक की दूरी तक बाहर भाग गई थी हु ब्रिंग्स इट बैक एंड हाउ तो एक स्ट्रेंज वुमन है जिसको वो कैट मिली थी कॉलर नंबर लिखा हुआ था कैट के कोशिश करती है कनेक्ट करने की बट बिकॉज सारे टेलीफोन लाइन सब कुछ डिस्ट्रॉ हो चुका था डिसनेक्ट हो चुका था शी कु नॉट कॉन्टेक्ट विद ओनर बट शी डिड नॉट गिव अप वो बहुत ज्यादा फील कर पा रही थी कि कैट को कोई बहुत टेरिबली मिस कर रहा है एंड शी इज लव अड और इसीलिए वो पूरी कोशिश करती है एंड फाइनली शी केम टू द ऑथर ऑर द नरेटर एंड टोल्ड हिम दैट इज दिस कैट बिलोंगिंग टू यू एंड दे फाइनली कुंड कैट क्लियर ऑल राइट द ऑथर लव्ड हिज कैट वेरी मच तो ऑथर लिटरली लव हिज कैट वेरी मच बिकॉज जब वो छोटी थी किटिन थी तभी उनको रेस्क्यू किया गया था ऑथर के थ्रू ही नेवर कंसिडर्ड हर फार फ्रॉम हिम और उनको कभी ऐसा नहीं लगता था कि वो दूर है उनसे हमेशा वो एक क्लोज बॉन्ड जो है कनेक्शन जो है उनको फील होता था शी कैप्ट सिटिंग बिसाइड हिम वेन ही डर हज होमवर्क एंड आद हाउस होल्ड वर्क वन दी ऑथर फाउंड हिस्स कैट बैक हिज हैपीनेस वॉज बी ऑन द लिमिट तो जब भी वो कुछ भी करते थे उनकी कैट हमेशा वहीं होती थी होमवर्क कर रहे थे तो पेपर पर पे बैठी है उनकी पेन के साथ खेल रही है कभी कुछ और भी कर रहे हैं सो रहे हैं एवरी टाइम कैट उनके साथ होती थी तो इससे पता चलता है कि कैट भी फोन थी किसकी ऑथर की और ऑथर को जब उनकी कैट मिल जाती है वो बहुत खुश हो जाते हैं उनको लगता है कि वो बैक यानी उनकी लाइफ जो है खुशियां जो है वो वापस आ गई वो खुद वापस आ गए लाइफ में तो इससे प्रूफ होता है कि वो बहुत प्यार करते थे अपनी कैट को ही ग्राम भर क्विकली एंड फेल्ट रिलीव दिस प्रूव दैट देवर वेरी फॉन्ड ऑफ ईच अदर हाउ देवर फॉन्ड ऑफ ईच अदर इस तरीके के लाइन्स प्रूव करते हैं

डिसकनेक्टेड तो पूरा ट्राई करती है एक स्ट्रेंजर लेडी उनको कैट मिलती है कॉलर पर नंबर लिखा हुआ है बट बिकॉज फोन लाइन एवरी थिंग वॉज डिस्ट्रॉइड डैमेज इस वजह से वो डिसकनेक्शन की वजह से हिशी वॉज नॉट एबल टू कनेक्ट विद द ओनर ऑदर नरेटर रिगार्डिंग द कैट बट द लेडी वर्कड हार्ड टू फाइंड द ओनर ऑफ द कैट एंड ब्रॉटेड बैक बट लेडी डि नॉट गिव अपने एफर्ट्स लगाए उन्होंने और फिर वो फाइनली पता लगा लेती है कि इसका ओनर कौन है और इस तरीके से जो कैट है वो नरेटर या ऑथर के पास वापस आ जाती है क्लियर ऑल राइट नेक्स्ट क्वेश्चन इज वॉट एक्शन स्कूलस्टैंडिंग ऑफ लाइफ एंड पीपल्फर्ट हिम इमोशनली तो जो उनकी एक अंडरस्टैंडिंग थी लोगों के बारे में जैसे उनको ये नहीं पता था कि नॉर्मली लोगों के बारे में एक कॉमन राय क्या होनी चाहिए कि हाँ अगर मैं ट्राई करूंगा तो दे वुड ऑल्सो बी माई फ्रेंड्स बट उनको क्या लगता था इस स्कूल में कोई भी उनका नहीं है आइसोलेटेड फील करते थे बट जैसे ही उनकी ये बैड न्यूज जो है कि उनका घर जो है इट वॉज बर्न लॉस्ट अटॉट ऑफ थिंग्स वो सारी न्यूज जब स्कूल में फैलती है तो वहां के बच्चे देवर सो गुड देवर सो काइंड कि वो कलेक्ट करते हैं पैसे और इनके लिए सारी चीज़ों को अरेंज करते हैं वेदर दे आर द क्लोथ्स वेदर स्कूल सप्लाईज नोट बुक्स एवरीथिंग दे ब्रॉड दैम और वो एक टेबल पर रख देते हैं और नरेटर को वहाँ पर लेके जाता है सो so, दिस इज हाउ ये जो एक्शन था स्कूल मेट का खुद आकर वो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं बातचीत कर रहे हैं जो बात भी नहीं करते थे इन्विटेशन दे रहे थे उनको अपने घर के लिए ये सब चीज़ें जो हैं वो ऑथर का माइंड सेट चेंज करती हैं हाउ डज हिज लव लोनलीनेस वैनिश एंड हाउ डज ही स्टार्ट पार्टिसिपेटिंग इन लाइफ और इस तरीके से उनका जो लोग जो है उनके फ्रेंड्स बन गए वो एक अच्छा टाइम स्पेंड करने लगे अपने फ्रेंड्स के साथ

fire broke out clear yafir after the house was burnt

But he was emotional, and that is why he started participating in life. Clear? All right.

चेंज होता है नरेटर का का या समथिंग यू हैव टू टेल इन दिस आंसर क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन द मीनिंग ऑफ कैट बैक एंड सो वैसा मतलब नहीं कि मैं कहीं जगह से वापस आ गया नहीं ऑथर इसलिए ऐसा बोलते हैं क्योंकि जब उन्होंने इतना सब कुछ लॉस वगैरह you know, uh, देखा था जैसे कि उनका ओल्ड स्कूल से न्यू स्कूल में शिफ्ट होना देन उनका घर का जल जाना बर्न हो जाना देन उनकी कैट का लॉस होना ये सब चीज़ें जो है उनको लाइफ में सॉर्ट sort ऑफ of ऐसा लग रहा था कि वो लाइफ खत्म हो गई उनके लिए क्योंकि उन्होंने सब कुछ लूज कर लिया था जो भी उनके लिए क्लोज था जो भी उनके लिए इंपॉर्टेंट था

अब जब कैट वापस आ गए यानी सारी चीजें अब उनकी लाइफ में नॉर्मल हो गई हैं तो वो भी नॉर्मली लाइफ को अब एंजॉय करेंगे वो हैप्पी है अपनी लाइफ के लिए एंड ही नॉट वांट्स टू डाई क्लियर ऑल राइट ऑथर हैड नॉट गॉन एनी वे सबसे पहले तो वो कहीं पे गए नहीं द ऑथर वॉन्ट्स टू पॉइंट आउट लाइफ विदाउट अफेक्शन इज यूजलेस लाइफ में अगर लव अफेक्शन होगा तो फिर वो क्या है यूजलेस है होम नहीं होगा लाइफ इज यूजलेस हाउस से कुछ नहीं होता इट शुड बी अ प्रॉपर होम क्लियर सो दिस इज वॉट दिस लाइन इन शॉर्ट एक्सप्लेन्स टू आस एंड ही वॉज डिप्रेस्ड आफ्टर अ ग्रेट लॉस इन ऑल फील्ड हिज ओल्ड स्कूल एंड टीचर्स द हाउस गॉड बर्न इन फायर एंड तो ओवरऑल बहुत सारी चीजों को इन्होंने खोया था अपनी लाइफ में वेदर वो अपने ओल्ड स्कूल की बात कर रहे हो टीचर्स उनके जो ओल्ड टीचर्स थे वो नहीं है अब उनके पास फ्रेंड्स नहीं है देन उनका घर नहीं है इट वॉज ऑल बर्न फाइनली उनकी जो कैट थी

इट

वापस आ गए थे लाइफ में ही वॉज नो मोर डेड और लाइफलेस पर्सन क्लियर ऑल राइट